Oh my god, one more. Give me one more. Give me one more. Give me one more trade. And the moderator shot at him for this. And Dream at the time, of course, was trying to defend himself. Dream stands for defending Dream, but many people took it into their own hands to find out what was really going on. And after many people nerded out about the subject, making one game theory video to another, after nearly 6 months, Dream finally came out about this entire subject, and then deleted it. But we could re-find the tweet using the Wayback Machine, and there we could see Dream admitting to tampering with the loot tables, but he also said it was an accident. जब मैं इसे बना रहा था मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये इतना बैड एस लगेगा कितना अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, मैंने इसे बनाने के लिए क्रिएटिव मोड यूज किया है बिकॉज मैं अपने आप को ना लिमिट में नहीं रखना चाहता था। सर्वाइवल मोड में मेरे को बहुत ड्रामे करने पड़ते, बहुत सारी शीप्स की जरूरत पड़ती, इसीलिए मैं क्रिएटिव मोड में गया और मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इसे स्टैचू को बढ़िया से बढ़िया बनाने में। ये भी गया एंड प्लैंक्स, बाय बाय, सायोनारा। ओके, वी आर बैक। अब हम लोग अपनी सर्वाइविंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं दोबारा। यहाँ पे एक पार्ट था जहाँ पे मेरे ना इन्वेंटरी में ब्रेड थी। एज मिल जाए ना, मैंने जो मारना है तुम लोग को। ओके ओके ओके, पता भी लगेगा तुम लोग कहाँ उड़ जाओगे। ठीक है भाई, मेरा टीममेट कहाँ है? ओ या या या, ओके ओके ओके, पॉज। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा मेरी इन्वेंटरी में 6 ब्रेड है। देखो, यहाँ तक मेरे कोई विलेज नहीं मिली थी, एंड ये 6 ब्रेड मेरे पास कहाँ से आए मैं बताता हूँ। क्रिएटिव से ये एक्चुअली हमारा प्लान था, बट एक मोमेंट उसमें ऐसा आ गया जो कि मैं एक्चुअली एडिटिंग में हटाना भूल गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, बट मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था एंड मैंने कमेंट्स से बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक देखा उस चीज के रिगार्डिंग भी। अभी ऑलरेडी मैंने उस चीज को हटा दिया है, गलतियां हो जाती है कभी कभी, क्या कर सकते हैं भाई, बट स्टिल तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया उस चीज के लिए भी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं किस गलती की बात कर रहा हूं, मैं उस बंदे के लिए लेके जाने वाला हूं ब्रो, वो बंदा बहुत ज्यादा खुश रहेगा। अरे बाप रे, ये देखो हवा में उड़ रहा है। अरे भाई कुछ भी यार, कुछ भी भाई। तो से तो थोड़ा बातचीत करनी है आपसे और कुछ है। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या दिक्कत क्या है भाई मेरे को, मतलब ऐसे इतने सारे पुलिस के साथ, FBI स्पेशल एजेंट के साथ भाई क्यों लेके आए हैं यहाँ पे? और मैंने उसमें एक क्रिएटिव यूज किया था, मुझे पता है मैंने वहाँ पर किया था। तो वैसे हुआ क्या था मैं आपको रो फुटेज में ही दिखा देता हूँ। तो जब हम केस के लिए वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हमें एक जज की जरूरत थी और जो हमारा मेन जज था वो आया ही नहीं था, इसलिए हमें एक NPC बनाना पड़ा था। लेकिन जब हमने NPC बनाया तो उसके चक्कर में और लैग के चक्कर में वहाँ पर कितने सारे NPC अपने आप ही आ गए जो कि आपको दिख रहे होंगे।